हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी लेक्चर। मायसेल्फ सोमनाथ पलेचा हियर। हम लोग बात कर रहे हैं जेनेटिक्स वाले चैप्टर्स को लेके, ठीक है। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स चल रहा है, जहाँ पे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था डीएनए के बारे में काफी डिटेल डिस्क्रिप्शन चल रहा था। उसके बाद हम लोगों ने टाइप्स ऑफ आरएनए भी देख लिए, जिसमें हम लोगों ने डील किया था एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए को लेके, ठीक है। आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा, यहाँ पे हम लोग सीखने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज पैकिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ओके, कि कैसे हमारे सेल में डीएनए को पैक करके रखा गया है, तो इसी का मतलब होता है पैकिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। तो साइंटिस्ट वुडडॉक, ये जो साइंटिस्ट है, इन्होंने नोटिस किया दैट थिकनिंग इन क्रोमैटिन फाइबर्स एट सम इंटरवल्स। मतलब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे क्रोमैटिन फाइबर्स दिखाऊँ, तो यहाँ पे कुछ जगह पे आप लोगों को ऐसे थिकनेस दिखाई देगी, फाइन। तो ये जो थिकनेस दिखाई देती है, ऐसी थिकनेस को उन्होंने नोटिस किया और फिर उन लोगों ने इनके बारे में सोचने के लिए चालू कर दिया, ठीक है। तो जैसे ही सोचना चालू कर दिया तो काम चालू हो गया। ओके, सी दिस थिकनिंग इज नोन एज न्यूक्लियोसोम नाउ। तो आज के डेट में हम लोग इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम के नाम से पहचानते हैं, ठीक है। द टर्म न्यूक्लियोसोम वॉज गिवन बाय द आउटडेट। ओके, हु हैज गिवन द टर्म न्यूक्लियोसोम, नेम ऑफ द साइंटिस्ट कॉल्ड एज आउटडेट। नाउ द न्यूक्लियोसोम इज नथिंग बट हिस्टोन ऑक्टामर प्लस डीएनए। तो ये दो चीजों से बना हुआ रहता है न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर्स। ओके, तो अभी हमारा जो काम है वो है हिस्टोन ऑक्टामर को समझना, और डीएनए को तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। डीएनए की एक खास बात क्या है कि इट इज अ नेगेटिवली चार्ज। ओके, एंड हिस्टोन जो होंगे ये प्रोटीन्स के होते हैं, एंड प्रोटीन्स आर पॉजिटिवली चार्ज। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होगा, कुछ कॉइलिंग वगैरह होगा, जिसको हम लोग कहेंगे न्यूक्लियोसोम। तो कैसे होता है, क्या होता है, चलो देखते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियोसोम को समझने के लिए सबसे पहला आपको हिस्टोन्स को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, सो रिच इन लाइसिन एंड आर्जिनिन। तो सबसे पहले यहाँ पे ही आपका नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट आर हिस्टोन्स, दे आर रिच इन व्हाट। योर आंसर शुड बी लाइसिन एंड आर्जिनिन, ये दो एमिनो एसिड से भरा पड़ा रहता है हिस्टोन्स। ओके, नेक्स्ट, दे आर पॉजिटिवली चार्ज। सो हिस्टोन्स आर पॉजिटिवली चार्ज। सी दीज आर एमिनो एसिड्स, एमिनो एसिड्स आर नथिंग बट यूनिट्स ऑफ द प्रोटीन्स, है ना। तो पॉजिटिवली चार्ज हो गया। नेक्स्ट, हिस्टोन्स आर ऑफ फाइव टाइप्स। कितने टाइप्स के हिस्टोन्स होते हैं, तो आप लोगों को पांच टाइप के हिस्टोन्स देखने मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। अभी देखते हैं वो पांच टाइप क्या है, जैसे कि H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। ओके, ध्यान देना ठीक से स्क्रीन के ऊपर। तो कितने टाइप के हम लोगों ने देखे, पांच टाइप के हैं, H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। याद रखना हमेशा, और हमारे लिए जो खास है, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे याद रखने के लिए, वो है यहाँ पे H2A, H2B, H3 एंड H4। ये H1 का क्या होगा, फिलहाल के लिए हम लोग उसको थोड़ा सा होल्ड पे डाल रहे हैं, लेकिन यस वो भी होगा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना। ओके, तो हिस्टोन ऑक्टामर बनाने के लिए चार चाहिए, और हर एक जन दो बार आएगा, तो मान लो 2 4 8, तो हो गया ना ऑक्टामर, राइट। सी H2A, H2B, H3, H4, this will be participate, okay, two forms of histones, octamer will be formation going to take place, okay, so each histones will be come two times to form a octamer, यही तो बात मैं अभी बात कर रहा था, ठीक है। तो ये रहा तुम्हारे सामने डायग्राम है, ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान देना ठीक से। लेट मी टेक सम न्यू कलर टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस डायग्राम। ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट। तो हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, ओके, रेड कलर से समझा देते हैं, फाइन। तो ये जो आप लोगों को यहाँ पे ग्रीन कलर का, रेड कलर का यहाँ पे जो स्ट्रैंड दिख रहा है, दिस इज अ डीएनए स्ट्रैंड। ओके, लेकिन ये डीएनए स्ट्रैंड आप अगर देखोगे, ऐसे पीछे से कॉइल करके जा रहा है और यहाँ से बाहर आ रहा है, ठीक है, दिस इज व्हाट द डीएनए। नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट हिस्टोन्स, तो ये आर्ट स्टोन कैसे आते हैं, कैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो सबका ध्यान यहाँ पे रहेगा। जैसे कि यहाँ पे देख लो, H2A लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये इसी के पीछे एक और H2A प्रेजेंट रहेगा, तो दो मॉलिक्यूल ये हो गए। उसी तरीके से H2B यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसी के पीछे एक और H2B मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, ठीक है। वैसे ही H3 का एंड H4 का भी होगा, दोनों अपने अपने दो दो फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगे, फाइन। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया, जब देखो ऐसे 1 2 3 और ये 4, तो इसी के जैसे एक और इनके पीछे से रहेगा, ओके, फाइन। तो ये आप लोगों को मिलेगा हिस्टोन ऑक्टामर। ये पूरा का पूरा जो होता है, दिस इज नथिंग बट प्रोटीन रिच इन लाइसिन एंड आर्जिनिन, सो दिस विल बी गिविंग मी अ पॉजिटिव चार्ज। अब डीएनए क्या हो जाएगा, डीएनए ऐसे पीछे से आएगा, इसके सामने से आएगा, फिर ऐसे पीछे जाएगा, टर्न मारेगा और यहाँ से बाहर निकल जाएगा। बात समझ में आ रही है, तो ये इतना ध्यान रखना है। तो ये क्या होता है, अभी आप लोगों को ये समझना है। सी, तो ये
आप लोगों को एक ऑक्टामर स्ट्रक्चर मिल रहा है अलोंग विद सम पार्ट्स ऑफ द डीएनए, है कि नहीं? तो इसी को कहेंगे हम लोग कोर ऑफ द डीएनए, विच इज गोइंग टू कम्प्लीट अराउंड 200 बेस पेयर. मतलब क्या, ये डीएनए अपना जो एक टन खत्म करता है तो एक टन में वो अपने 200 बेस पेयर्स को कवर कर रहा है, ऑक्टामर स्ट्रक्चर को कवर करने के लिए या फिर होल्ड करने के लिए, उसके अराउंड कॉइल करने के लिए कितना 200 बेस पेयर्स कवर कर रहा है. तो ये अप्रोक्सीमेटली मैंने यहाँ पे वैल्यू दे के रखी है 146 टू 200 बेस पेयर्स, लेकिन आप लोगों को कैलकुलेशन के लिए 200 बेस पेयर्स की ही वैल्यू पकड़नी है. कैलकुलेशन किस बात की सर? तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि टू दैट कंप्लीट डीएनए टू गेट कॉइल्ड और टू गेट कंडेंस्ड टू फॉर्म अ क्रोमोसोम हाउ मेनी न्यूक्लियोसोम्स विल बी रिक्वायर्ड. तो ऐसे क्वेश्चंस होता है जहां पे आप लोगों को ये वैल्यू पुट करने आएगी. ओके दूसरा, अभी यहाँ पे जो ये बीच बीच में सी आप लोगों को यहाँ पे डीएनए दिख रहा है ओपनली प्रेजेंट है, यहाँ पे डीएनए भी प्रेजेंट है, ठीक है. फिर से एक और ऑक्टामर ऐसे बीच में आ जाएगा, बात समझ में आ रही है, और फिर से ये कॉइलिंग दिखाएगा. तो ये तो आपके अल्टरनेटली ऑप्शन चलने ही वाला है. और ऐसे करते करते जो हमारा ह्यूमन डीएनए होता है 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए दैट विल बी गेटिंग कॉइल्ड अराउंड द हिस्टोन्स, बात समझ में आ रही है. तो ऐसे करते 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 पूरा स्ट्रक्चर जो है कंडेंस्ड होके क्रोमोसोम बनाएगा. ओके तो ये आप लोगों को बात ध्यान में रखना है यहाँ पे. अभी बात करते हैं हिस्टोन ऑक्टामर की. तो ये ऐसे ऊपर की तरफ यहाँ पे आप लोग देखोगे तो ये रेड कलर में सब्सटेंस मैंने अटैच करके रखा है, दैट इज द हिस्टोन वन. ये क्यों होता है? ताकि ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सके. ओके तो लिंकर डीएनए में टोटल कितने बेस पेयर प्रेजेंट हो सकते हैं? 60 बेस पेयर्स कैन बी सीन इन द लिंकर डीएनए. आप लोगों को इतना यहाँ पे क्लियर हो गया है, फाइन. तो न्यूक्लियोसोम आप लोगों को समझ में आ गया. सिंस ये अपीयर करता है स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर, ये डीएनए जो है ये स्ट्रिंग लाइक अपीयर करता है, और ये बीड लाइक, मतलब क्या, जैसे मोतियों की माला होती है ना, तो ये कैसे पर्ल मोती जैसे अपीयर करता है. सो बीड्स ऑन स्ट्रिंग ऐसे भी इनको कहते हैं. ओके तो ध्यान रखना ये सारी बातों को, ठीक है. सो डोंट वरी, एवरीथिंग इज मेंशन्ड ओवर हियर. सो आप लोगों को समझ में आ जाएगा. सी डीएनए कोर यानी 1/3/4 टर्न विल बी टेकिंग प्लेस, दैट इज नथिंग बट 1.75 टर्न्स आप लोग मान सकते हो. ओके ये जो पूरा एक टर्न होता है उसकी वैल्यू यहाँ पे रिप्रेजेंट की है 1/3/4 टर्न, दैट इज 1.75 टर्न मान सकते हो. ओके ऑल्सो नोन एज द बीड्स ऑन स्ट्रिंग. तो यही बात मैं कर रहा था. तो यही सारे टर्म्स हम लोग एग्जाम में देखते हैं, इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं. इतना होने के बाद सी एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल. तो अभी हमारे सामने ये एक्सपेरिमेंट क्यों आया, क्यों जरूरत पड़ी कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल है करके बताने के लिए? क्योंकि आप लोग अगर यहाँ पे अभी का जो टॉपिक चल रहा था पैकिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल, यहाँ पे दो चीजें तो आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रही है, एक तो है डीएनए और दूसरा है तुम्हारे पास हिस्टोन्स प्रोटीन्स, है ना. तो ये प्रोटीन एंड डीएनए है. अब इनमें से मास्टरमाइंड कौन है, डीएनए है कि प्रोटीन है, ये हमको गेस करना है. इसलिए ये एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत पड़ी. मतलब क्या, जेनेटिक मटेरियल जैसे एक्ट कौन करेगा, डीएनए करेगा या प्रोटीन करेगा? बिकॉज बोथ द सब्सटेंस आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस. क्योंकि डीएनए प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस के अंदर ही ये क्रोमोसोम फॉर्मेशन वगैरह हो रहे हैं, कि नहीं? मतलब सेल डिवीजन, सेल साइकिल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड ऑल सारी चीजें डिजोल्व हो जाती है, वो सारी चीजें साइटोप्लाज्म में होती है, हम लोगों ने देखा है 11th स्टैंडर्ड में. लेकिन मेरा यहाँ पे जो टॉपिक है उसको समझने की कोशिश करो. डिस्कवरी चल रही है कि जेनेटिक मटेरियल वाकई में डीएनए है या प्रोटीन मॉलिक्यूल है. अगर ये नहीं होगा तो फिर एक्सपेरिमेंट क्या, किस बात का? समझ में आ रही है कि नहीं बात? आज के डेट में सबको पता है डीएनए एक्ट लाइक अ जेनेटिक मटेरियल. ओके लेकिन कैसे प्रूव हुआ, किसने डिस्कवर किया, ये सारे क्वेश्चंस यहाँ से अराइज होते हैं. तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग ग्रिफिथ के बारे में. तो ग्रिफिथ का जो एक्सपेरिमेंट है उसको कहा जाता है ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. ये दिया था इन द ईयर ऑफ 1928, ऑल्सो कॉल्ड एज अ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल. सो ये आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है. ओके ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जब भी वर्ड यूज किया जाएगा आपके दिमाग में ग्रिफिथ ये वर्ड, ये नाम आना ही चाहिए. और अभी इन्होंने यूज क्या किया एक्सपेरिमेंट को प्रूव करने के लिए, पता करने के लिए, डिस्कवरी करने के लिए. तो ही यूज्ड अ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ओके एंड माइस. ओके और जो डिप्लोकोकस भी हम लोग इसको कहते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस या फिर डिप्लोकोकस निमोनिया एंड माइस विल बी यूज्ड. अभी देखो ही यूज्ड द स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया इन टू फॉर्म्स. मतलब कैसे दो फॉर्म में? तो ये देखो, एक होता है स्मूथ स्ट्रेन, एक होता है रफ स्ट्रेन. ओके स्मूथ स्ट्रेन और रफ स्ट्रेन में क्या खास बात है? देखो अगर कैप्सूल प्रेजेंट रहेगी तो कैप्सूल बनी हुई रहती है पॉलीसेकेराइड की, अगर कैप्सूल एब्सेंट रहेगी तो इसको बोलेंगे रफ स्ट्रेन माना जा रहा है. आप लोगों को क्लियर हो रहा है ये बात पे? ओके तो यहाँ पे देखो मैं अगर डायग्राम बना के दिखाऊं, मान लो ये उसका जेनेटिक मटेरियल है और इसके ऊपर अगर हम लोग कैप्सूल बना देंगे तो ये कैप्सूल जो होती है डेट इज पॉलीसेकेराइड और ये पॉइजनस होता है. ओके ये कैसा होता है? ये विरुलेंट होता है, पॉइजनस होता है, पैथोजेनिक होता है. लेकिन अगर हम लोग खाली जेनेटिक मटेरियल के बारे में बात करें तो ये इतना बोल सकते हैं नॉन विरुलेंट होता है, नॉन पॉइजनस माना जाता है. ओके
ये सारी बातें हैं जो यहाँ पे आप लोगों को क्लियर करनी है। अभी ये दोनों चीजें को समझने के बाद आप लोगों को अभी देखना है कि ये डिफरेंट स्ट्रेन्स क्या होते हैं। सी वेरिएबल स्ट्रेन अवेलेबल, जैसे कि S1, S2, S3, S4, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रेन्स अवेलेबल है विथ रिस्पेक्ट टू द स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ओके, विथ रिस्पेक्ट टू द स्मूथ मीन्स विथ रिस्पेक्ट टू द कैप्सूल प्रेजेंट, मतलब इनके इतने सारे वेराइटीज हैं जो कि पॉइजनस माने जाते हैं। लेकिन इनमें भी ऐसा कुछ होता है जैसे कि R1, R2, R3, R4, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंट डिफरेंट लेवल के स्ट्रेन होते हैं, फाइन, जिनको हम लोग नॉन वायरुलेंट या फिर नॉन पैथोजेनिक मानते हैं। लेकिन ग्रिफिथ ने क्या किया, तो ग्रिफिथ ने सेलेक्ट किया S3 को एंड R2 को। ओके, S3 एंड R2 स्ट्रेन वॉज सेलेक्टेड बाय द ग्रिफिथ। अब ये ग्रिफिथ बंदा करता क्या है, ये बंदा देखो, ये जो S10 बैक्टीरियाज होते हैं जो कि पॉइजनस होते हैं, इनको इंजेक्शन में भर के ये माइस के अंदर इंजेक्ट कर देता है और नोट करता है कि क्या वाकई में हो रहा है माइस के साथ। तो ही ऑब्जर्व दैट माइस इज गोइंग टू डाई इन दिस सिनेरियो। ओके, लेकिन वही अगर वो R2 स्ट्रेन लेके काम करता है, R2 स्ट्रेन यानी रफ स्ट्रेन लेके काम करता है, तो ये देख रहा है कि माइस अलाइव है। ओके, अब ये बंदा थोड़ा सा और दिमाग लगाने लगता है। कौन, तो ग्रिफिन क्या करता है, ये S10 में इसने देखा, S3 स्ट्रेन में इसने देखा कि ये जो माइस मर रहा है, तो उसने क्या किया, उसको गर्म कर दिया टेस्ट ट्यूब में डाल के। तो क्या हो गया, और उसने जब ये गर्म वगैरह कर दिया बैक्टीरिया को, तो वो थोड़े से बोल सकते हैं ना डेड टाइप के एक्टिविटी करने लगे, और उसके बाद लेस हार्मफुल जैसे एक्टिविटी होने लगी, और उन्होंने इस पर्टिकुलर माइस को इंजेक्ट कर दिया। तो देख रहे, तो वो माइस जिंदा बच गया। ओके, नाउ ही एक्टेड वेरी स्मार्ट। नाउ ग्रिफिथ, ग्रिफिथ व्हाट ही इज डूइंग नाउ, जिसने स्मूथ स्ट्रेन जो कि हीट किल्ड बैक्टीरिया जो कि तीसरे कॉलम में यूज किया था, अब वो उसने दूसरे कॉलम वाले मतलब R2 स्ट्रेन के साथ मिक्स कर दिया। ठीक है, R2 स्ट्रेन के साथ मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद क्या कर रहा है, तो वो माइस में इंजेक्ट कर रहा है। एंड नाउ सी द माइस इज अपियरिंग एज अ डेड। ओके, तो आप लोगों को चार केस यहाँ पे देखने मिल रहे हैं, एक में विरुलेंट बैक्टीरिया होने के कारण मर गया, एक में एब्सेंस ऑफ बैक्टीरिया होने के कारण मर गया, एब्सेंस ऑफ बैक्टीरिया नथिंग बट द कैप्सूल इज एब्सेंट ओवर हियर बिकॉज ऑफ दैट इट इज टर्निंग एज अ नॉन पॉइजनस। ओके, एंड नाउ दिस सिनेरियो में क्या हो गया, जिसमें पहले केस में मर रहा था उसी को उसने गर्म करके फिर इसको माइस में दिया और उसके कारण वो मर गया। लेकिन वही गर्म वाला बैक्टीरिया जो उसने गर्म किया था, वही उसने रफ स्ट्रेन में डाला, तो रफ स्ट्रेन वाले में ऐसा क्या चले गया कि जिसके वजह से वो विरुलेंट हो गया और उसने माइस को मार दिया। बात समझ में आ रही है, तो कुछ तो ऐसा था जिसके वजह से माइस मर गया। तो ये एक्चुअली डिस्कवर करके दिखाया क्या कि DNA था या प्रोटीन था वो जेनेटिक मटेरियल, नहीं, ये वो साबित नहीं कर पाया। लेकिन हम लोग को कुछ देर के लिए आइडिया तो दे गया कि हाँ, या तो प्रोटीन है या तो पर्टिकुलर DNA ही एक्ट कर रहा है एज अ जेनेटिक मटेरियल। तो इसके एक्सपेरिमेंट से क्या क्या चीजें सामने आई, देखो, ग्रिफिथ कंक्लूडेड दैट द R स्ट्रेन बैक्टीरिया हैड समहाउ बीन ट्रांसफॉर्म्ड बाय द हीट किल H स्ट्रेन बैक्टीरिया। ओके, मतलब क्या हो गया, R स्ट्रेन में चेंजेस आ गए बिकॉज ऑफ द हीट किल H स्ट्रेन बैक्टीरिया। ओके, इट हैड एनेबल्ड द R स्ट्रेन टू सिंथेसाइज अ स्मूथ पॉलीसेकेराइड कोड टू बिकम अ विरुलेंट। मतलब R स्ट्रेन के पास एक अपना जो क्षमता डेवलप्ड हो गई थी, क्षमता यानी यहाँ पे एक कैपेसिटी डेवलप्ड हो गई थी कि उसने अपने अराउंड में एक कैप्सूल को बना लिया था, जिसके कारण वो किसमें कन्वर्ट हो गया, टाइप 3 एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो गया और वो पॉइजनस हो गया। ओके, इसी के वजह से वो क्या हो गया, माइस मर गया। सी, दिस मस्ट बी ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, बट However, the biochemical nature of the genetic material was not defined from his experiment. Okay, तो कौन था वो genetic material, protein था या DNA था, ये हम लोग confirm नहीं कर पाए। इसी का मतलब होता है biochemical nature. तो इसी biochemical nature को थोड़ा सा और detail पढ़ने के लिए हमारे पास तीन लोग आ गए, सी एवरी, मैकलीड एंड मैककार्थी। ओके, what they had done, they had given the biochemical nature of ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ओके, ये आप लोगों को ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप लोगों को कंपलसरी याद रखना है। कब हुआ था, इन द ईयर ऑफ 1933 to 1934 में। ओके, दैट इज 16 इयर्स लेटर आफ्टर द ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, मतलब ग्रिफिथ के काम करने के 16 साल बाद तीन लोग साथ में आके एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो अभी ये लोग क्या कर रहे हैं, तो वो देखने वाली बात है। The genetic material that is a transforming principle was thought to be a protein. तो ये लोग क्या सोच रहे थे कि शायद वो protein हो सकता है करके। तो ये तीन scientists लोगों ने क्या किया वो देखना है। Okay? They worked to determine the biochemical nature of transforming principle. तो ये रहा experiment जिनके बारे में हम लोग को बात करना है आज के lecture में। Okay? तो lecture क्या बोलता है? See,
They purified a biochemical that is proteins DNA RNA from the heat killed H cell. मतलब heat killed H cell जिसके वजह से R strand में changes आए थे. उन्होंने उसमें से proteins निकाल लिया, DNA निकाल लिया और RNA निकाल लिया. To see which one could transfer the R cell into the H cell. मतलब ये check करने के लिए उनमें से कौन सा बंदा है, चाहे वो protein है या वो RNA है या वो DNA है, जिसके कारण हमारा R strand ने खुद की capsule बनाने की ability develop की. Okay? तो इसके बारे में देखते हैं. सो दे डिस्कवर्ड दैट द डीएनए अलोन फ्रॉम द एस बैक्टीरिया कॉज द आर बैक्टीरिया टू बिकम अ ट्रांसफॉर्म. तो वो लोग ने क्या किया, कंफर्म कर दिया कि डीएनए है जिसने आर स्ट्रैंड को कैप्सूल बनाने के लिए मजबूर कर दिया और उसको पॉइजनस बना दिया. ठीक है, अब ये कैसे हुआ ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं, तो चलो देखते हैं इसके बारे में. दे ऑल्सो डिस्कवर्ड दैट द प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स, मतलब इन्होंने प्रोटीन को तोड़ने के लिए क्या यूज किया, प्रोटीएस एंजाइम यूज किया. RNA को डाइजेस्ट करने के लिए RNAs एंजाइम यूज किए. यू नो दैट ऑल एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन नेचर, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर, प्रोटीन्स आर एंजाइम्स इन नेचर. ये सारी बातें मैं तुम लोग को ऑलरेडी 11th क्लास में डिस्क्राइब कर चुका हूँ. ठीक है, तो आप लोगों को इसी को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए ये सारी चीजों को समझने आना चाहिए. ओके, काफी क्लियर है, हम लोगों ने बायोमोलिक्यूल्स डील किया था, राइट. सी, डिड नॉट अफेक्ट द ट्रांसफॉर्मेशन, सो द ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस वॉज नॉट अ प्रोटीन और द आरएनए. जैसे उन्होंने आरएनए को डाइजेस्ट कर दिया, प्रोटीन को डाइजेस्ट कर दिया एक्सपेरिमेंट कंडीशन में, तो वो लोग देख रहे कि ये सारी चीजें तो हमारे बैक्टीरिया में दिख रही नहीं है, तो फिर ऐसी क्या चीजें थी जो बैक्टीरिया के अंदर दिखी. तो वो था सी, डाइजेशन ऑफ द डीएनए डिड इनहिबिट द ट्रांसफॉर्मेशन सो दैट द ट्रांसफॉर्मेशन कॉज बाय द डीएनए. ओके, सी दे कंक्लूडेड दैट द डीएनए इज अ हेरिडेटरी मटेरियल बट नॉट ऑल बायोलॉजिस्ट वेर कन्विंस्ड. फिर भी देखो सारे बायोलॉजिस्ट अभी तक कंफ्यूजन में ही रह रहे थे, लेकिन इतना मेहनत किया, इतना होने के बाद भी वो लोग बता रहे हैं कि डीएनए कैन एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल, डीएनए इज एक्टिंग लाइक अ ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल. देन ऑल्सो द रेस्ट ऑफ द साइंटिस्ट आर वरीड, कि वो कन्विंस नहीं हो रहे थे यार ये ऐसे कैसे बोल सकते हैं लोग, है कि नहीं. तो अभी ये सारी समझने के लिए हम लोग देखेंगे कि बाद में क्या ऐसा काम हुआ जिसके कारण कंफर्मेशन मिल गया कि यस डीएनए कैन एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल. लेकिन बिफोर एंटरिंग इनटू दैट पर्टिकुलर टॉपिक, यहाँ पे आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं. ओके, तो चलो देखते हैं पहले वो इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है हमारे लिए. तो बैक्टीरियोफेज जिसको हम लोग कहते हैं लैम्ब्डाफेज, ओके, हैज 4850 बेस पेयर्स. ओके, तो बैक्टीरियोफेज के पास कितना है, 4850 बेस पेयर्स है. ओके, बैक्टीरियोफेज साई इंटू 174, इसके पास टोटल न्यूक्लियोटाइड देखो कितना है, ऊपर था बेस पेयर्स, अभी खाली न्यूक्लियोटाइड्स है, तो कितना है 5386, मतलब 5386 न्यूक्लियोटाइड्स इनके पास प्रेजेंट है. ये पॉइंट्स क्यों दे रहे हैं सर, समटाइम्स क्वेश्चन पूछ लेगा तो फिर तुम लोग क्या करोगे, है कि नहीं, या फिर ये कुछ वैल्यूज हैं जो कि हमको आगे कैलकुलेशंस में यूज करने के लिए मदद करेंगे. ठीक है, तो ये आप लोगों को कंपलसरी याद रखना बनता है. ई कोलाई में 4.6 into 10^6 बेस पेयर्स होंगे, दैट इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ द डीएनए इज इक्वल टू 1.36 mm. ओके, ये तुम लोगों को यहाँ पे याद रखना है कंपलसरी, 4.6 इंटू 10^6 बेस पेयर एंड द लेंथ ऑफ द डीएनए इज 1.6 mm. ओके, हैप्लॉइड कंटेंट यानी हाफ सेट हैप्लॉइड. ओके, याद रखना ठीक से. ह्यूमन डीएनए का कितना होता है, 3.3 इंटू 10^9 बेस पेयर, वही अगर डिप्लॉइड होगा तो कितना होगा, 6.6 इंटू 10^9 बेस पेयर. बात समझ में आ रही है. और ह्यूमन जो डीएनए होता है ये कितना बड़ा होता है, 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए होता है. कितना बड़ा होता है, 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए. कैसे निकाला, सी द डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव बेस पेयर्स वी हैव, दैट इज 0.34 नैनोमीटर, दैट इज इन मीटर में बात करें तो 0.34 इंटू 10^-9 मीटर्स में आ जाता है. तो आप लोगों का यूनिट के साथ भी वैल्यू याद रखनी जरूरी है. ओके, सी देयरफॉर द टोटल deployed content of the human DNA is 6.6 into 10^9 base pair. Therefore, 6.6 into 10^9 को 0.34 से multiply कर दिया, तभी जाके आप लोगों को answer मिलता है 2.2 meter long DNA. Okay, this is what the length of the human DNA. ये clear हो गया. Coming to the next part, that is the total number of the nucleosome present. है कि नहीं, तो यही हम लोग का ऊपर डिस्कशन चल रहा था इन द पैकिंग ऑफ द डीएनए, पैकिंग ऑफ द जेनेटिक मटेरियल वहां पे. सो 200 बेस पेयर्स आर प्रेजेंट इन वन. See, 200 base pairs are present in is equal to one bead typically. Okay, that is considered as a one bead. मतलब एक bead को, मतलब एक nucleosome को cover करने के लिए हमको चाहिए थे 200 base pairs. So total length कितना होता है? 6.6 into 10^9 base pair are present है. तो क्या करना पड़ेगा? 1/200 करके multiplied by 6.6 into 10^9 करोगे. तो आंसर आ जाएगा तुम लोग को 3.3 into 10^7 beads. Okay, तो ये दो zero यहाँ से कटे और 9 में से दो zero minus हो गए. इसलिए बचा ऊपर 7, क्लियर है. और 2 के टेबल से 6.6 को डिवाइड कर दो, मतलब 66 कितने से आएगा, 33 से जाएगा, सो 3.3 हो गया.
ओके सो टोटल न्यूक्लियोसोम कितने बने तुम्हारे पास सामने 3.3 × 10⁷ बीड्स आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन सेल. बीड्स आर नथिंग बट द न्यूक्लियोसोम्स आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन डीएनए. ये आप लोगों को ध्यान रखना है यहाँ पे. ओके इफ द लेंथ ऑफ द ई कोलाई इज 1.36 mm कैन यू कैलकुलेट द नंबर ऑफ बेस पेयर इन ई कोलाई. यस ऑफ कोर्स वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ बेस पेयर इन ई कोलाई. कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा देखो ये रहा तुम्हारे सामने सॉल्यूशन. तुमको पता है लेंथ ऑफ द डीएनए. फिर एक फॉर्मूला आता है नंबर ऑफ बेस पेयर मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन द टू बेस पेयर. ओके तो हम लोग को नंबर ऑफ बेस पेयर सो नहीं पता है तो हम लोग क्या करेंगे एक्चुअली उसको एक्स कंसिडर करेंगे और 3.4 × 10⁻¹⁰ मीटर के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे. ओके तो देख लो क्या हो गया. ये मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी. ओके 1.36 × 10⁻³ मीटर हो गया. ये mm में था तो मैंने सारी वैल्यू मीटर में कन्वर्ट कर दी है. फाइन नाउ व्हाट x into बाकी का. अभी x निकालना है तो उसको साइड में ले लो और इसके डिवाइड में ये कर दो और तुमको सीधा आंसर आ जाएगा 136/3.4 × 10⁶. कैलकुलेट करोगे आप लोगों को आ जाएगा आराम से 4 × 10⁶ दैट इज द नंबर ऑफ बेस पेयर्स इन ई कोलाई. ओके तो ये पूरा जो सिनेरियो है इसको कंपलसरी दिमाग में फिट कर लो क्योंकि इसी के ऊपर भी नीट में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं बोर्ड में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एनसीईआरटी में सेम क्वेश्चंस ऑलरेडी दिया हुआ है. ओके तो जो भी एनसीईआरटी बोलता है हमको तो बाबा फॉलो करना ही है क्योंकि नीट का सिलेबस ही एनसीईआरटी है. ओके कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट सी द जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए. ओके अभी इसके बारे में डिस्कवरी करना चालू हो गया क्योंकि बायोकेमिकल नेचर जो एवरी मैकलियन एंड मैकार्थी ने किया उसके से उनके एक्सपेरिमेंट से तो काफी लोग कन्विंस नहीं थे ना तो अभी क्या करना पड़ेगा अभी और दो लोगों को अपना काम करना पड़ा. सी प्रूफ दैट द डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल केम फ्रॉम द ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट. क्या नाम दे दिया एक्सपेरिमेंट का ट्रांसडक्शन नाम दे दिया गया और इन लोगों ने यूज क्या किया तो बैक्टीरियोफेज यानी वायरस को यूज किया. ओके क्या नाम था इन दोनों का हर्शी एंड चेस. ओके अल्फ्रेड हर्शी एंड मार्था चेस इन द ईयर ऑफ 1952. स्टूडेंट्स एक बात यहाँ पे बहुत क्लियरली याद रखना तुम लोगों को साइंटिस्ट का पूरा नाम याद रखना है विद रिस्पेक्ट टू देयर ईयर्स एंड विद रिस्पेक्ट टू देयर हेडिंग ऑफ द एक्सपेरिमेंट क्योंकि इनके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं और बच्चे ये पार्ट को इग्नोर मार देते हैं. ओके तो आप लोगों को कंपलसरी ये सारी बातें याद रखनी है जेनेटिक्स में ये सारी बातें पूछी ही जाती है. ओके बात समझ में आ रही है. ओके तो चलो आगे बढ़ते हैं हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट को डिस्क्राइब करते हैं. तो इन्होंने क्या यूज किया बैक्टीरियोफेज आर यूज्ड ओवर हियर एंड बैक्टीरियल वायरसेस. T2 is a bacteriophage which infect the E. coli. ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे. Okay? T2 is what? One of the bacteriophage. Okay? Now, T2 has a DNA and protein code which is called as a capsid. तो ये हम लोगों ने 11th standard में capsid proteins के बारे में पढ़ा ही था in the biological classification, right? So, E. coli bacteria can grow on a culture medium. ये भी आप लोगों को familiar बातें हैं. ये सारी बातें हम लोगों ने देखी है. Okay? Coming to the next part. लेबलिंग ऑफ ए प्रोटीन कोड एंड द डीएनए वायरसेस विद द रेडियो एक्टिव. मतलब क्या ये तो जरूरी है. देखो किसी भी एक्सपेरिमेंट के ऊपर जैसे कि तुम लोग खुद की एनसीईआरटी भी पढ़ते हो तो तुम लोग क्या करते हो हाईलाइटर यूज करते हो कि नहीं करते हो है कि नहीं. तो हाईलाइटर यूज क्यों करते हो ताकि तुम लोग अपने मेन पॉइंट्स को दिमाग में रखने के लिए पता चले जब भी टेक्स्ट बुक खोले तो हाईलाइट किया हुआ पॉइंट हमको दिखना चाहिए. वही ये लोग ने क्या किया एक्सपेरिमेंट यूज करने के लिए प्रोटीन और डीएनए के बारे में कंफ्यूजन चल रहा था तो उसी को क्लियर करने के लिए वो लोग ने कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स यूज किए. ओके तो प्रोटीन को किसी और से कोड कर दिया डीएनए को किसी और से कोड कर दिया. जो अंदर जाएगा सेल में वो हमारा मास्टरमाइंड दैट इज ओनली द एक्सपेरिमेंट का फाइनल कंक्लूजन देने वाला है. तो चलो देखते हैं एक्सपेरिमेंट कैसे चला. ओके हर्शी एंड चेज ग्रेव टू कल्चर्स. ओके मतलब ग्रेव यानी ग्रो टू कल्चर्स ऑफ ई कोलाई. तो एक कल्चर में वो लोग ने क्या किया पहले ये बात समझ लेते हैं. ठीक है एक कल्चर लिया उन्होंने और वहां पे सी वाज सप्लाइड विद द रेडियो एक्टिव सल्फर. सल्फर क्यों यूज किया तो प्रोटीन के लिए यूज किया. यू नो दैट सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स आर प्रेजेंट. हम लोगों ने पढ़ा था कि नहीं प्रोटीन में. सो सम प्रोटीन्स आर आल्सो देयर जहां पे सल्फर कंटेनिंग होता है. जैसे कि हम लोगों ने देखा था मेथियोनिन इज अ सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड. दूसरी बात जो होता है सिस्टाइन इज अ सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड. तो ये दो एग्जाम्पल तो आप लोगों को कंपलसरी याद रखना ही है. देयरफॉर दे सेलेक्टेड द सल्फर रेडियो एक्टिव सल्फर S35 फॉर द कोडिंग द योर यू कैन से प्रोटीन्स. ओके दिस रेडियो एक्टिव सल्फर get incorporated into the sulfur containing amino acid like cysteine and methionine therefore it becomes a part of the bacterial protein. okay to ye dhyan mein rakhne wali baat hai. dusri baat kya thi to second culture mein wo log ne kya attack kiya. abhi sir simple si baat hai agar ek culture mein dna code sorry protein code ho chuka hai to dusre isme dna karoge na aur dna mein kya present hota hai phosphoric acid. hum logon ne nucleotides dekha nucleosides dekha hai ki nahi. phosphoric acid aata hai ki nahi aata hai panchve carbon pe attach rehta hai ye sari baatein humko pata hai. तो क्यों ना डीएनए के लिए हम लोग रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस यूज करें जिसको कहते हैं P32. ओके सो ये हम लोगों ने यूज किया
डीएनए को कोड करने के लिए. ओके, सो दिस रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस गेट इनकॉर्पोरेटेड इनटू द न्यूक्लियोटाइड्स व्हिच फॉर्म्स अ न्यूक्लिक एसिड मोस्टली द डीएनए. ओके, तो डीएनए को इस तरीके से कोड कर दिया. तो इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन बनेंगे कि कौन सा रेडियोएक्टिव है, क्या क्या चीजें कोडिंग की गई, लेबलिंग की गई. ओके, and this is how the bacterial protein and the DNA will got their own respective labels. अभी क्या करना बाकी है, अभी करो ना experiment, काम तो हो चुका है तुम्हारा. okay, after labeling three steps were followed, that is the infection, blending and centrifugation. तो पहला क्या है, virus को bacteria के साथ infect करो, उसके बाद उनको blending करो, उसके बाद centrifuge करो और देख लो तुम्हारे अंदर मतलब bacteria के अंदर कौन सी चीजें गई है. बात खत्म हो जाएगी, सीधा सीधा straight forward answer आ जाएगा तुम्हारे सामने. fine, तो infection में क्या कर दिया उन्होंने. see, इससे अच्छा मैं यहाँ पे पढ़ते बैठू, यू कैन स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम दिस. ओके, यहाँ पे नोट्स का मैं थोड़ा देर आप लोगों को टाइम देता हूँ, यू कैन गो थ्रू दिस पॉइंट्स. ओके, मैं अभी ये पढ़ते बैठने में टाइम पास नहीं करूंगा, मैं सीधा आप लोगों को एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन कर दूंगा. फाइन, तो ब्लेंडिंग देख लेना यहाँ पे. ओके, पॉज करके आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा रीड कर लेना, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली. सी, राइट. ओके, तो आई गेस यू गाइस कैन रीड दिस पॉज करके, थोड़ा सा यहाँ पे भी आप लोग ये सारी बातें देख लो. उसके बाद मैं ये सारी चीजें नहीं पढ़ने वाला हूँ, पहले बता देता हूँ. मैं आप लोगों को एक्सपेरिमेंट बता दूंगा, दैट विल बी इनफ फॉर यू टू अंडरस्टैंड द थिंग्स. ओके, अभी देखते जाओ, हमारा डायग्राम खुलने वाला है. ओके, सो चलो बात करते हैं डायग्राम को लेके. देख लो, ये दो ही कल्चर है हमारे सामने, ये रहा और ये रहा एक. यहाँ पे क्या दिख रहा है, रेडियोएक्टिव सल्फर किया हुआ है, मतलब प्रोटीन. ये देख लो आप लोगों का वायरस, ये वायरस के बाहर का कोट क्या होता है, कैप्सिड प्रोटीन होता है ना, दैट इज नथिंग बट योर प्रोटीन्स. बीच में जेनेटिक मटेरियल है जिसको कोडिंग नहीं किया. देखो यहाँ पे रेड कलर मैंने यूज किया ताकि आप लोगों को दिखा सकूं, यस मैंने प्रोटीन को यहाँ पे रेडियोएक्टिव सल्फर से कोट किया हुआ है, ये मैं बता रहा हूँ यहाँ पे. उसके बाद यहाँ पे देखो जेनेटिक मटेरियल को मैंने ग्रीन कलर से कोड किया है, थोड़ा सा ट्राई करो समझने के लिए, आपको समझ में आ जाएगा. ओके, जैसे जेनेटिक मटेरियल पे मैंने रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस 32 यूज किया है डीएनए को कोडिंग के लिए. अब क्या कर रहा हूं, मैं इन वायरसेस को ई कोलाई के साथ छोड़ दे रहा हूं ताकि इन्फेक्शन हो जाए ई कोलाई के अंदर. तो फर्स्ट प्रोसेस इज व्हाट, इन्फेक्शन. तो ये रहे वायरस अंदर, जब अपना जेनेटिक मटेरियल छोड़ते हैं तो इनका जो प्रोटीन कोट है वो तो बाहर ही रह जाता है. मतलब क्या, इससे तो क्लिक हो गया कि हाँ सल्फर तो बाबा बाहर रुकने वाला है. और दूसरे केस में देखो ना, जब वो लोग अपना जेनेटिक मटेरियल अंदर डाल रहे हैं तो इन शॉर्ट तुम्हारा फॉस्फोरस अंदर जा रहा है, ना कि सल्फर अंदर जा रहा है. ये केस में देखो सल्फर बाहर रुक रहा है, लेकिन इस केस में देखो the genetic material which was coded with the phosphorus 32 is getting entered into the E. coli. अभी क्या करना है, इनको blending करने छोड़ देना है. okay, अब जब सारी चीजें blending हो जाएगी, आप उसको centrifuge करोगे तो जो बाकी बाहर रह जाएगा वो तुम्हारा कुछ और रहेगा और जो अंदर जाएगा वो कुछ और रहेगा. okay, मतलब क्या करना है, जो भी blending होने के बाद हमको centrifuge करना है, उनको निकालना है, उनको देखना है और उसे समझना है कि अंदर क्या है और बाहर क्या है. ठीक है, चलो देखते हैं अभी. See, no radioactive sulfur S35 detected in the cell plus radioactive sulfur S35 detected in the supernatant. लेकिन वही अगर मैं बात करूं opposite case में, तो radioactive phosphorus was detected in the cell. ये आप लोगों को ध्यान रखना है. plus no radioactive phosphorus detected in the supernatant. मतलब supernatant में खाली सल्फर पड़ा था, बात समझ में आ रही है. hence the experiment has proved that the DNA can act as a genetic material. कैसे पता किया सुपरनेटेड वगैरह, तो ये देखो ना, ये भी तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है डायग्राम. ओके, तो टेंशन किस बात की ले रहे हो, राइट. तो इस केस में देखो सुपरनेटेड बचा है, दैट इज द रेडियोएक्टिव S35. लेकिन आप लोग यहाँ पे देखोगे पैलेट में देखोगे, सी दिस इज कॉल्ड ओनली द पैलेट्स. ओके, जहाँ पे आप लोगों को देखने मिलता है रेडियोएक्टिव 32 फॉस्फरस इन टू द सेल्स. यहाँ पे आप लोगों को नहीं देखने मिलता है सल्फर, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को रेडियोएक्टिव फॉस्फरस देखने मिल रहा है. ओके, तो ऐसी सारी बातें हो जाती है और इससे कंफर्म हो जाता है बाबा डीएनए इज एक्टिंग लाइक अ means it is confirmed. Confirmed किसने किया, Hershey and the Chase experiment given the confirmation. Find out किसने किया, biochemical nature किसने दिया, so every MacLean and the McCarthy. ठीक है, transforming principle किसने दिया, तो Griffith ने दिया. तो ये सारे तीन experiment जो थे with respect to finding the discovering the genetic material as a DNA, तो आप लोगों को compulsory याद रखना है, बहुत ज्यादा important है. ठीक है, अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, तो अभी हम लोग बात करेंगे with respect to the DNA replication. Okay? So, आप लोगों को डीएनए रेप्लिकेशन समझने के लिए कुछ एंजाइम्स के बारे में यहाँ पे आप लोगों को समझना है. ठीक है, जैसे कि डीएनए इज एबल टू परफॉर्म टू प्रोसेस, एक को कहते हैं ऑटो कैटालिसिस, दूसरे को कहते हैं हेटेरो कैटालिसिस. ऑटो कैटालिसिस मतलब क्या, डीएनए से डीएनए को बनाना, और हेटेरो कैटालिसिस का मतलब क्या होता है, डीएनए से आरएनए को बनाना. ओके, तो ये दोनों डिफरेंट सिनेरियोस है, हम लोग बात करेंगे. पहला वाला जो होता है इसको रेप्लिकेशन कहते हैं, और दूसरा वाला जो हेटेरो कैटालिसिस है इसको हम लोग कहते हैं
ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, मतलब डीएनए से हम लोग आरएनए बनाएंगे। कौन सा आरएनए? तो एमआरएनए बनाएंगे। क्यों बना रहे? क्योंकि हमको प्रोटीन चाहिए, और प्रोटीन बनाने के लिए डीएनए और आरएनए दोनों की रिक्वायरमेंट होती है। बात समझ में आ रहा है? और खाली कॉपी बनाना है तो तुमको डीएनए रेप्लिकेशन करना पड़ेगा, दैट इज ऑटो कैटालिसिस। ओके, सो नाउ आवर प्रोसेस इज गोइंग टू स्टार्ट विद द ऑटो कैटालिसिस, दैट इज डीएनए टू डीएनए सिंथेसिस इज गोइंग टू टेक प्लेस, व्हिच इज कॉल्ड एज डीएनए रेप्लिकेशन। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, द एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर द डीएनए रेप्लिकेशन। सबसे बेसिक चीजें, अगर घर में राशन नहीं होगा तो खाना किस बात का बनाओगे? तो वैसे यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन करना है तो आप लोगों को एंजाइम जरूरी है समझना। ओके, अगर बेस नहीं समझेगा तो डीएनए रेप्लिकेशन भूल जाओ बेटा, कुछ नहीं करने वाले तुम लोग। ओके, हेलिकेस के बारे में बात करते हैं। ओपन और अनवाइंड द डीएनए हेलिक्स, मतलब डीएनए इज अ डबल स्ट्रैंडेड, यू नो दैट बोथ द स्ट्रैंड्स आर बाइंड विद द हेल्प ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड। तोड़ना पड़ेगा मुझे दोनों बॉन्ड को सेपरेट करने के लिए। कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। हेलिकेस लाना पड़ेगा, हेलिकेस एंजाइम ला रहा हूं मैं, ओके, टू ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर मैं ये लैब में करता तो मैं हेलिकेस डालने के बजाय मैं क्या यूज करूंगा? टेम्परेचर यूज करूंगा। कितना टेम्परेचर? 90 to 92 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, 90 से लेकर 92 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने के लिए। ओके, अभी देख लो ना, हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द ए एंड टी दो ही होते हैं, बिटवीन द जी एंड सी तीन होते हैं, तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसको लगेगी? बट ऑब्वियसली बात है सर, जी एंड सी वाले बॉन्ड को तोड़ने के लिए सबसे ज्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी एज कम्पेयर टू द ए एंड टी। ओके, लेकिन अगर हम लोग उसको ठंडा कर देंगे तो फिर से हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन होने की क्षमता होती है। ओके, मतलब फिर से बॉन्ड बनाया जा सकता है इफ यू प्रोवाइड द कोल्ड टेम्परेचर। ओके, मतलब कोल्ड एटमोस्फियर। चलो दूसरी बात करते हैं, हेलिकेस तो समझ में आ गया, टोपोआइसोमर्स की बात करते हैं। To release the tension, it cuts and rotate and reseals the strand. Topoisomerase क्या करना है? देखो, DNA is a helically coiled structure रहता है, उसको क्या करना है? हमको coiled रखना नहीं है, उसको थोड़ा सा stable रखना है। तो क्या करना पड़ेगा? उसके अंदर जो force act करता है ना, tension force, उसको निकालने के लिए मुझे topoisomerase के साथ trade करना पड़ेगा। ये दो enzyme मैंने तुम लोगों को समझा दिए। तीसरा enzyme होता है single stranded binding protein या फिर single stranded stabilizing protein। Okay? सिंगल स्टैंडर्ड स्टेबलाइजिंग, स्टेबलाइजिंग मतलब क्या? उसको स्टेबल रखना है, हिलाना नहीं है। अगर हिल जाएगा तो थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है कि नहीं? तो उसको स्टेबल रखने के लिए हम लोग को ये चाहिए होता है, सिंगल स्टैंडर्ड स्टेबलाइजिंग प्रोटीन। व्हाई आई एम द यूजिंग द टर्म सिंगल स्टैंडर्ड? बिकॉज आफ्टर ब्रेकिंग द हाइड्रोजन बॉन्ड्स योर स्ट्रैंड्स आर गोइंग टू बी सेपरेट, दे आर गोइंग टू एक्ट लाइक अ सिंगल स्टैंड। बात समझ में आ रही है यहाँ पे? तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग को लाइगेस भी लगेगा। लाइगेस क्या होता है? बायोलॉजिकल गम होता है, हमने ऑलरेडी बात की थी। तो लाइगेस क्या करता है? डीएनए फ्रेगमेंट्स को ज्वाइन करने में मदद करता है। ओके, कैसे करेगा, क्यों करेगा, किधर करेगा, ये हम लोग देखेंगे डायग्राम के बारे में। ओके, बाद में। नाउ डीएनए पॉलीमरेज 1, अभी टाइप्स ऑफ एंजाइम और भी है, देख लेना, अभी खत्म नहीं हुआ है। ओके, सो डीएनए पॉलीमरेज 1 की बात करते हैं। ये करता क्या है? इट रिमूवल ऑफ द आरएनए प्राइमर एंड फिलिंग द गैप्स। आरएनए प्राइमर, अब ये आरएनए प्राइमर क्यों आया, इसको निकालने की क्यों जरूरत पड़ गई? पहले ये आया क्यों, ये तो पता होना चाहिए ना तुम लोगों को। तो आरएनए प्राइमर होता क्या है? तो सी प्राइमेस हेल्प्स इन द प्राइमर सिंथेसिस। प्राइमर इज नथिंग बट अ स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ आरएनए। प्राइमर इज डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। पहले ये सीधा सीधा क्वेश्चन है, इसको दिमाग में फिट कर लो। व्हाट इज प्राइमेस? तो प्राइमर बनाने में मदद करता है। प्राइमर क्या है? तो इट इज अ स्मॉल सेगमेंट ऑफ आरएनए। अभी सर डीएनए बनाना है, उसकी कॉपी बनानी है, तो मुझे आरएनए की जरूरत क्यों है? बताऊंगा, फिलहाल के लिए होल्ड करो। फिलहाल के लिए तुमको क्या रखना है याद? प्राइमेस इज अ डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। इतना याद कर लिया, आगे बढ़ रहा हूँ, उसके बाद बताऊंगा। ओके, डायग्राम आने तक तो थोड़ा सा सबर रखोगे कि नहीं रखोगे? ओके, नेक्स्ट डीएनए पॉलीमरेज 3 के बारे में बात करते हैं। अभी ये दूसरा आ गया, मतलब एक तो था डीएनए पॉलीमरेज 1, अब आ गया डीएनए पॉलीमरेज 3। ओके, हैज द 3 सब यूनिट। अब ये किस चीजों का बना हुआ है? देखो, तो उसके पास अल्फा सब यूनिट है, एप्सिलॉन सब यूनिट है एंड बीटा 2 सब यूनिट है। तो व्हाट इज डीएनए पॉलीमरेज 3 इज मेड अप ऑफ? अल्फा सब यूनिट, एप्सिलॉन सब यूनिट एंड द बीटा 2 सब यूनिट। अल्फा सब यूनिट जो होता है इसको कैटालिटिक यूनिट माना जाता है। एप्सिलॉन जो होता है ये प्रूफ रीडिंग करने में मदद करता है। प्रूफ रीडिंग मतलब क्या? अगर एक स्ट्रैंड पे ए प्रेजेंट है तो दूसरे स्ट्रैंड पे मुझे उसके अपोजिट में टी लाना है, तो वो ए प्रेजेंट है पहले ये पढ़ना पड़ेगा ना, तभी तो उसके अपोजिट में टी लाके जोड़ोगे, जी है तो सी लाके जोड़ोगे। तो ये होता है प्रूफ रीडिंग, पहले पढ़ो उसके बाद उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करो। ओके, एंड बीटा 2 सब यूनिट इट इज नथिंग बट अ स्लाइडिंग कैम। ये थोड़ा सा स्लाइड करते करते प्रोसेस आगे बढ़ने वाला है, यू विल अंडरस्टैंड, डोंट वरी। ये सारी बातें डीएनए पॉलीमरेज 3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम फॉर द डीएनए रेप्लिकेशन, ये भी ध्यान रखना है। ओके, क्योंकि वो क्या करता है? फ्री बट कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करने में मदद करता है। आई एम यूजिंग द वर्ड कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब क्या? जो पैरेंट डीएनए का एक स्ट्रैंड सेपरेट हो गया है उसके अपोजिट में एक स्ट्रैंड बनाना है ना, तो वो जो सीक्वेंस लगेंगे, फ्री न्यूक्लियोटाइड लगेंगे, उन्हीं को कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस, और ये काम करता है डीएनए पॉलीमरेज 3। ओके, नेक्स्ट एंजाइम देखो, फॉस्फोराइलेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या करता है? हेल्प्स इन द एडिशन ऑफ फॉस्फेट और एक्टिवेशन ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स। ओके, बिना एक्टिवेशन के क्या करोगे? न्यूक्लियोटाइड्स लाके जोड़ना है, तो कौन सा
नॉन एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड्स लगाओगे क्या? नहीं, यू नीड द न्यूक्लियोटाइड्स टू गेट एक्टिवेटेड. ओके, इसके लिए हम लोग यूज करेंगे एंजाइम फॉस्फोराइलेज. ओके, तो बहुत ज्यादा प्रोसीजर होता है. तुम लोगों को क्या लगता है एक एक से दूसरा कॉपी बन गया, इतना ही सी है? नहीं. ओके, यू नीड टू अंडरस्टैंड द बेस. ओके, हियर न्यूक्लियस एंजाइम ऑल्सो हेल्प्स इन द प्रूफ रीडिंग. तो हमारे पास दो हो गए प्रूफ रीडिंग के लिए, एक तो डीएनए पॉलीमरेज 3 खुद ही है और दूसरा एक और एंजाइम है जो कि न्यूक्लियस. अगेन, इट डू अ प्रूफ रीडिंग. ओके, व्हाइल डीएनए रेप्लिकेशन. सो हाउ द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इज गोइंग टू टेक प्लेस? देखो, एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. What do you mean by this? Activate करना है ना, phosphorylase enzyme लगेगा. So DAMP, what is this? DAMP stand for deoxyadenosine monophosphate के formation में present रहते हैं. हमको क्या चाहिए? Triphosphate. Okay, see DGMP, DCMP, DTMP सब वही है. See deoxyguanosine monophosphate, deoxycytidine monophosphate, deoxythymidine monophosphate. बात को ठीक से सुन लो, labeling ठीक से पढ़ लो, बहुत ज़्यादा important है. इसी के ऊपर questions आते हैं. Okay, next. रिएक्शन देखो क्या होता है. तो सारे मोनोफॉस्फेट को अगर हम लोग H3PO4 के साथ रिएक्ट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोराइलेज एंजाइम, एनर्जी विल रिक्वायर. सी, इट विल कन्वर्टेड इनटू DATP, ट्राइफॉस्फेट हो गया ना. बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? सी, मोनोफॉस्फेट्स व्हिच आर इनएक्टिव गेट कन्वर्टेड इनटू ट्राइफॉस्फेट एक्टिव सब्सटेंस. ओके, तो ये होता है एक्टिवेशन ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स. नाउ opening of the DNA helix. okay, तो देख लो ये क्या होता है, opening of DNA helix. recognition of the origin site. तो एक origin site होना चाहिए जहाँ पे हम लोग को replication चालू करना होता है. from where the replication is going to start. okay, ये ध्यान में रखना. next, bacteria and the viral DNA has a single origin of replication. okay, खाली single origin आपको देखने मिलेगा किसमें? bacteria and viruses में. okay, in eukaryotic DNA there can be a number of origins of replications can be seen called as a replicons. और ज्यादा रहेंगे तो मल्टी रेप्लिकॉनिक के नाम से भी तो कहेंगे. okay, तो another नाम आ गया तुम्हारे सामने, मल्टी रेप्लिकॉनिक. okay, in absence of origin replication will not be occur. तो origin ही नहीं रहेगा तो चालू क्या करोगे? अगर ट्रेन को एक स्टेशन से दूसरी स्टेशन में जाना है तो उसका origin स्टेशन तो होना चाहिए ना. ये तो कहाँ से बोलोगे कहाँ से चालू हो रही है ट्रेन? बात समझ में नहीं आ रही है क्या? आ रही है ना? ठीक है, बहुत ईजी है. ओके, now helicase bind to the origin site and start opening the DNA helix. तो helicase क्या करेगा? hydrogen bond तोड़ना चालू करेगा. तो कुछ खास बातें यहाँ पे जुड़ जाती है तुम्हारे replication के साथ, देख लो. now the topoisomerase and SSBP, okay, single stranded binding protein will come and release the tension and stabilizes a separated strand of the DNA in prokaryotic. ये जो काम मैंने बोला कि tension निकालना और उसको stable करना, ये gyrase करता है in prokaryotic. कौन सा एंजाइम काम करता है? गायरेस. एक ही एंजाइम होता है जहां पे वो काम करता है. क्यों? प्रोकैरियोटिक, दीज आर लोअर ऑर्गेनिजम्स, है कि नहीं? और उनकी सारी चीजें तो एक्चुअली तुम्हारे साइटोप्लाज्म में देखने मिलेंगी. ये भी सारी बातें आती है यहाँ पे. ओके, नेक्स्ट, प्राइमर फॉर्मेशन की बात करते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइमर? एट द 3-3 एंड ऑफ वन स्ट्रैंड ऑफ द 4 एंड ऑफ द सेकंड स्ट्रैंड, अ स्मॉल स्ट्रैंड ऑफ द आरएनए इज सिंथेसाइज्ड विद द हेल्प ऑफ द डीएनए. डीएनए एंजाइम, RNA polymerase और primase, this synthesizer, blah 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 blah. ये सारी चीजें क्या होती है मैं बाद में डिस्क्राइब करूंगा. सो डोंट वरी अबाउट दैट डिस्क्रिप्शन. ओके, टेंशन मत लो. ओके, फिलहाल के लिए RNA primer देख लो कैसे दिखता है. 3- पे OH ग्रुप रहेगा और 5- पे फॉस्फेट ग्रुप रहेगा. ये मैं तुम लोग को ऑलरेडी क्लास में इसके बारे में बात कर चुका हूँ. यू नो दैट वेरी वेल, है ना? पेंटो शुगर में 3- एंड पे OH ग्रुप देखने मिलता है एंड फॉस्फोरिक एसिड में, मतलब फॉस्फोरिक एसिड जो रहता है वो 5वें कार्बन पे अटैच रहता है. ऐसे ही करके छोटे छोटे RNA फ्रेगमेंट्स बनाने होते हैं जो कि सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं. ओके, तो ये बात यहाँ पे ध्यान में रखेंगे हम लोग. ठीक है, तो ये जो डायग्राम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन चालू हो रहा है इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से डील करेंगे. तब तक के लिए हम लोग ने सारे एंजाइम्स तक डील कर लिया है. आप लोग यहाँ तक ठीक से इसको पढ़ लो, समझ लो सारे एंजाइम्स के फंक्शंस को. मिलेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर से जहाँ पे मैं एक्चुअल प्रोसेस को एक्सप्लेन करूंगा. ठीक है, और उसके साथ थोड़ा सा चैप्टर और आगे बढ़ा लेंगे. बाय बाय, टेक केयर.